एक्ट्रेस ने बिग बॉस के मेकर्स के बारे में ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। आखिरकार डोनाल्ड बस्क ने हैशटैग तेज रन के बारे में क्या कुछ बड़ा खुलासा किया है, चलिए पूरी खबर मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूँ कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में दो कंटेस्टेंट के एक साथ एविक्ट कर दिया गया था, दो कंटेस्टेंट को, जिसमें कि डोनाल्ड बस्क और विधि पांड्या थी। और अब डोनाल्ड बस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान ये रिवील किया गया है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन कई बार कुछ कंटेस्टेंट्स को कॉन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और जो भी बातचीत होती है वो बाकी कंटेस्टेंट से, ना कि जाने वाले कंटेस्टेंट शेयर करते हैं और ना ही बिग बॉस शेयर करते हैं। वेल, मैं आपको बता दूं कि जब हैशटैग तेज रन ट्रेंड कर रहा था, जब डोनाल्ड बस्क घर में थी, उस दौरान तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया था और बाहर ऑडियंस के बीच में हैशटैग तेज रन भी ट्रेंड कर रहा था। और इसी बीच जब डोनाल्ड बस्क घर में ही थी, उसी बीच कई बार करण कुंद्रा को अकेले कॉन्फेशन रूम में बुलाया गया। उसके बाद जब कॉन्फेशन रूम से वापस आए करण कुंद्रा, तो कॉन्फेशन रूम में आने के बाद करण कुंद्रा का चेहरा देखने लायक था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, ऐसा डोनाल्ड बस्क ने कहा। उसके बाद कई बार तेजस्वी प्रकाश, सिम्बा नागपाल, विशाल कोटियान को बुलाया गया कुछ डिस्कशन करने के लिए, और जब भी हम कुछ सवाल पूछते थे जो कॉन्फेशन रूम में जाते थे उन कंटेस्टेंट से, तो वो साफ तौर पर कह देते थे कि हमारा कुछ पर्सनल मैटर था, कुछ पर्सनल चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही थी, वैसा कुछ मैटर नहीं है जो कि बताना चाहिए। वेल, कभी भी नहीं बताया जाता था। और डोनाल्ड ने इस बात का श्योरिटी से भी खुलासा नहीं किया कि मुझे नहीं पता कि ऐसा सच में होता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है डोनाल्ड की बातों के बाद कि बिग बॉस के मेकर्स स्क्रिप्ट बनाकर, यानी जो भी बाहर ऑडियंस देखना चाहते हैं, ऑडियंस पसंद करना चाहते हैं, उसी तरह का स्क्रिप्ट बनवाने को कहा जाता है बाकी कंटेस्टेंट से, उसी तरह का दिखावा दिखाने को कहा जाता है कंटेस्टेंट से, ताकि बिग बॉस की टीआरपी बढ़ सके, बिग बॉस के ऑडियंस को बिग बॉस शो पसंद आ पाए। वल, हमने तो देखा ही है कि जब डोनाल्ड बस्क एविक्ट हो चुकी हैं और जब से कॉन्फेशन रूम में बुलाया गया था करण कुंद्रा को, उसके बाद से ही करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की नज़दीकियाँ बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं लगातार। आपको डोनाल्ड बस्क के स्टेटमेंट पर कितनी बातें सच और कितनी झूठ लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।